वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदू दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की लासानी शहादत इतिहास के पन्नों च सुनहरी अखरां च दर्ज है। हिंदुस्तान च जदों मुगल सरकार दे वल्लों हिंदुस्तान दे लोकां ते अत्याचार किए जा रहे सन, जब लोगों की आवाज़ नूं मधोलिया जा रहा सी तां उस वेले दब्बी ते कुचली आवाज़ नूं उठाउण लई श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू दी चादर बन के धर्म की रक्षा की सी। आओ नज़र मारते हैं गुरु साहिब जी वालों दिती गई लसानी शहादत पर। जब औरंगजेब के जुल्मों का हिंदुओं ते कुहाड़ा तेज हो गया ते हिंदुओं नूं जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा सी, उस वेले कश्मीरी पंडितों नूं होर किसे तो उम्मीद ना रही तां उह श्री गुरु तेग बहादुर जी कोल अपनी फरियाद लैके आए। उन्होंने अपने दुख नूं गुरु साहिब नाल सांझा किया तां गुरु जी ने आख्या कि इस बचाव लई तां कि किसे महान पुरुष के बलिदान की लोड़ है। उस समय नौ वरियां दे बाल गोबिंद राय उत्थे ही मौजूद सन ते उन्होंने कहा कि आप जी तो वड्डा महान पुरुष कौन हो सकता है। यह सुन के गुरु साहिब नूं यकीन हो गया कि बाल गोबिंद राय हुण गुरगद्दी संभालण दे योग हो गए ने। उन्होंने कश्मीरी पंडितों नूं दिलासा दे के आख्या कि जा के बादशाह नूं यह कह देण कि जेकर वह सिखां दे गुरु नूं मुसलमान बना लैंदा है ता असी सारे पंडित भी दीन कबूल कर लवांगे। यह संदेश लै के कश्मीरी पंडित दिल्ली के बादशाह औरंगजेब पास पहुँचे। गुरु साहिब नूं दिल्ली तो बुलावा आया तां उह गुरगद्दी गुरु गोबिंद राय जी नूं संभाल के आप भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी ते होर सिखां नाल जथे दे रूप विच आनंदपुर तो रवाना हो गए। औरंगजेब नूं शक हो गया कि गुरु साहिब किधरे फरार ना हो जाण, इसलिए बादशाह दे हुक्मां अनुसार गुरु साहिब ते सिखां नूं आगरे नेड़े ही बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने गुरु साहिब नूं इस्लाम कबूल करन लई बहुत प्रेरिया, दलीलबाजी कीती पर नाकाम रहा। अपनी इस असफलता तो बाद उसने गुरु साहिब ते सिखां नूं तसीहे देने शुरू कर दिते। गुरु साहिब नूं तां पिंजरे विच बंदी बना के रख्या गया। गुरु साहिब नाल आए सिखां विचों भाई दयाला जी नूं जिउंदिआं देख विच उबालिया गया, भाई मतीदास जी नूं आरन नाल चराया गया अते भाई सतीदास जी नूं रूह च लपेट के अग लगा दित्ती गई। अंत विच गुरु साहिब दा सीस शाही हुक्मां नाल जलालुद्दीन नां दे जलाद ने धड़ नालों वख कर दिता। हिंदू धर्म की राखी लई गुरु साहिब ने शहीदी दे दित्ती। भावें औरंगजेब ने यह हुक्म दिता सी कि गुरु साहिब का सीस ते धड़ उत्थे ही पिया रहेगा, पर गुरु घर सेवक भाई जैता जी ने गुरु साहिब का सीस चुकया ते गुरु गोबिंद राय जी कोल आनंदपुर साहिब विखे पहुँचाया, जिथे उन्होंने सारी गाथा गुरु साहिब नूं सुनाई। गुरु साहिब ने भाई जैता जी नूं गढ़ नाल ला के रंगरेटा गुरु का बेटा आख्या। उधर दूजे पासे लखी शाह लुबाणा ने गुरु साहिब का धड़ चुकया अते अपने घर ले जा के घर नूं अग लगा दित्ती तां कि किसे नूं शक ना पवे। दूजे दिन गुरु साहिब दीआं अस्थियां इकट्ठियां करके एक गागर च पा के उन्हां नूं धरती दे हेठां दफनाया गया, जिथे अज दिल्ली विखे गुरद्वारा रकाब कंज बनिया होया है। गुरु साहिब दी लसानी शहादत नूं कोट कोट प्रणाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।